आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ इंडिया ट्रू, सच्चाई का साथी। स्वागत है आपका न्यूज ऑफ इंडिया टू में। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ इंडिया टू। इस वक्त हम मौजूद हैं बागपत दिल्ली रोड पे, जो कि खेकड़ा के बिल्कुल नजदीक एक जगह है। वहां पर हमने इंसिडेंटली हम जा तो रहे थे, जो प्रदीप प्रजापति हैं, जो कि इनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है शामली में, जो आतंकवादियों के नापाक इरादों का शिकार हो गए, उसमें शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर हम पहुँच रहे हैं उनके गाँव, उनके घर, उनके घर वालों का हालचाल लेने के लिए। लेकिन जब हम रास्ते में हमने देखा कि एक खतरनाक दुर्घटना हुई हुई है, तो हमने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसको कवर करना जरूरी समझा, ताकि हमारे लाखों व्यूअर्स जो है इससे सचेत हो सके। ये गाड़ी है जो इको है और देखने में लगभग नई गाड़ी लग रही है, नई गाड़ी है। इसकी कंडीशन आप देखिए, हम कैमरा पर्सन से गए, थोड़ा सा आगे चलते और दिखाएं कि ये जो गाड़ी है इसकी जो है आगे से बिल्कुल परफेक्ट उड़ चुके हैं। आप देखेंगे कि इसके अंदर जो इस वक्त जो ड्राइवर होगा, देखिए ये इस वक्त आपके सामने जो व्यू है ड्राइविंग साइड का है, जहाँ पर ड्राइविंग साइड में ड्राइवर बैठा होगा। हम दिखाएंगे कि उसकी घुटनों की क्या हालत रही होगी अंदर की तरफ से, और काफ़ी बुरी कंडीशन में चोट आई होगी उसके। और आप देख रहे हैं डैशबोर्ड पर भी खून काफ़ी लगा हुआ है, जो शायद हो सकता है कि उसके सर से निकला हो। हम आपको बता दें कि इस सारी दुर्घटना की वजह जो लग रही है वो लग रही है दूसरी, यहाँ पर एक टाटा DCM गाड़ी खड़ी हुई है। ये हम दिखाएंगे कि ये बिल्कुल रॉन्ग साइड पर खड़ी हुई है, बिल्कुल गलत दिशा में से आ रही है। और इसमें आप देखेंगे कि जिसका नंबर है UP 17 44 26, और ये भी जो है कहीं ना कहीं इसी इलाके की गाड़ी लग रही है, क्योंकि इसमें भी जो दूसरा नंबर हम देख रहे हैं ये भी UP 17 P 84 36 है, इको का, जो बिल्कुल अपनी सही दिशा की तरफ से आ रही थी। अभी हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर लोगों से कि कब का मामला होगा, ये क्या कब का मामला है। साढ़े नौ बजे लगभग अंधेरा हो चुका था। अंधेरा हो चुका। तो आप यहीं रहते हैं? नहीं जी, मैं बागपत। तो आपको गाड़ी देख लेने रुका। तो क्या लग रहा है आपको ये एक्सीडेंट देख के? एक्सीडेंट बहुत खतरनाक लग रहा है, बहुत, क्योंकि पैर दोनों पैर टूट गए, हड्डी टूट गई। अच्छा, और मैं जान भी जा सकती थी जिस तरीके से हम देख रहे हैं। नई गाड़ी है तो ये क्या नाम है आपका? ये गाड़ी किसकी है? आपके भाई की गाड़ी है। तो आपका भाई कहाँ से आ रहा था ये इस तरफ से? अच्छा, आपको रिश्तेदारी में। अच्छा अच्छा, दो भाई हैं और दोनों भाई थे, दोनों ही और इसकी क्या वजह होगी रॉन्ग साइड आने की, ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि बिल्कुल रास्ता यहाँ भी खुला हुआ है, उसके बावजूद भी रॉन्ग साइड से आने का कोई औचित्य बनता नहीं है, लेकिन फिर भी गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रही थी।
हम आपको बता दें कि अभी इतना कोई कोहरे का समय भी नहीं है कि कोहरा पड़ रहा हो। रात का लगभग 9 बजे का समय बताया जा रहा है कि अक्सर करके कभी भी रात को ज़्यादातर 9 बजे कोहरा नहीं पड़ता, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ एक गलत दिशा से आने की वजह से किसी की भी जान को जो है वो जोखिम में डालना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी भूल है। हम आपको इस तरह की जो कवरेज होती है अचानक कहीं भी अगर रुक के दिखानी पड़े तो हम दिखाते हैं ताकि आप इस तरह की गलतियां ना करें। आप रहिए सचेत सतर्क, बने रहिए न्यूज़ ऑफ इंडिया 2 के साथ। अगली सीरीज हमारी बहुत जल्द दिखाने वाले हैं हम आपको कि आखिर वो पार्थिव शरीर जो कि बरत गांव में पहुंच चुका है, उनके परिवार का क्या हाल है। बने रहिए न्यूज़ ऑफ इंडिया 2 के साथ। मैं कैमरा पर्सन शेख के साथ पत्रकार सुकांत सलवानी खेगड़ा। आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया 2।